नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस 5 मिनट जीके कथा को आप फॉलो कर रहे होंगे और आने वाली जो वैकेंसी है, चाहे जो भी हो, सुपर टेट का हो और प्लस सी टेट का जो सेकंड और फर्स्ट पेपर होता है, यूपी टेट का जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर होता है, सब में आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। क्योंकि यह आपका एक तरह से कहा जाए, वैसे तो डिटेल में सारी क्लास दिए हैं, लेकिन ये 5 मिनट का सीरीज आपको मात्र उसी टॉपिक को हम यहाँ कवर करते हैं जो बहुत बार सारी चीज़ें पूछी गई हैं और यह अभी भी बहुत बार पूछी जाती हैं, अनेकों बार आता है साथियों। अब बहुत जल्द हम एक तरह से मैथ का भी सीरीज लॉन्च करेंगे, जैसे उधर डीएलएड के 1-2 हफ्ते में सारे क्लास खत्म हो जाते हैं, तो आप इस सीरीज को डेली फॉलो करिए। देखिए, यह आपको गोला गोला बनाया गया होगा, लग रहा है क्या ही है। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, आपके मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ मरुस्थल हैं, अपने भारत में भी एक मरुस्थल है ना, तो सारे मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यह चीज़ याद रखना। मित्र, इसमें डिटेल में तो जिक्र नहीं करेंगे, डिटेल में पढ़ना होगा तो हम क्लास लगा देंगे। देखिए, यह आपका पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, यह आपका यूरोप है मित्र, यह आपका अफ्रीका है और यह आपका एक तरह से एशिया है और यह ऑस्ट्रेलिया प्लस यहाँ न्यूजीलैंड है, इस प्रकार से हमारा है। और यहाँ पे आपको पता है अटलांटिक महाद्वीप है, प्लस यहाँ पे हिंद महासागर है, और आपको पता है इधर बंगाल की खाड़ी है, प्लस चाइना सी है, प्लस इधर पूरा का पूरा, और इधर पूरा का पूरा आपका क्या है भाई, पैसिफिक ओशियन है, प्लस ऊपर आर्कटिक महासागर है, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है पूरा का पूरा। अब देखिए, सबसे पहली बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में मित्र स्थित है दक्षिणी पेरू। अब यहाँ पर पेरू है, इस साइड देखेंगे तो पेरू वाला पूरा का पूरा स्थान है, पेरू, दक्षिणी पेरू और प्लस चिली इधर पड़ता है, पूरा का पूरा इस साइड पड़ता है चिली और ऊपर पेरू पड़ता है। तो पेरू, दक्षिणी पेरू, पेरू के दक्षिण तरफ और चिली का पूरा यह वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि मिला जुला कर कहें कि दक्षिण अमेरिका में एक तरह से हमारा मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। कहाँ पाया जाता है? चिली और पेरू वाले देश में पाया जाता है। किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। किस देश में है? तो बताएंगे दक्षिणी पेरू और प्लस उत्तरी चिली में पाया जाता है। ये दोनों के दोनों देश हैं, कहाँ के भैया? दक्षिणी अमेरिका के भैया, ठीक है ना। यह एक तरह से कहा जाता है सबसे, पूरे विश्व का सबसे शुष्कतम जो मरुस्थल है उसका नाम बता दीजिए, तो बताएंगे भैया इसी का नाम है जो आपका दक्षिणी पेरू और प्लस उत्तरी चिली में पाया जाता है अटाकामा मरुस्थल। ये पूरे विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, याद रखेंगे सबसे शुष्कतम की बात किया जा रहा है। तो सबसे शुष्कतम मरुस्थल में ही सबसे शुष्कतम विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, उसका नाम है अकीरा। याद रखेंगे अकीरा नामक एक स्थान है जो कि पूरे विश्व में सबसे शुष्क स्थान से नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा, यानी कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। हम क्या बात किए हैं? पूरे विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली और पेरू में स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। लेकिन सबसे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताएंगे तो अफ्रीका में स्थित है, यहाँ पर, यह अफ्रीका है। तो अफ्रीका में यहाँ वाले स्थित है, यहीं पे स्पेन स्थित है, यहाँ फ्रांस स्थित है, और स्पेन और फ्रांस के स्थित बीच में एक तरह से जल डमरूमध्य भी है, हम उसको कभी जिक्र करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि भूमध्य सागर है, इधर लाल मतलब रेड सी है, तो सारी चीज़ें हम बताएंगे कभी, इसको आएंगे क्रम से सारी टॉपिक लेकर आएंगे। तो यहाँ वाला जो पोर्शन है साथियों, यहाँ पर स्थित है सहारा मरुस्थल, जो पूरे पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखेंगे पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका का यह वाला पोजीशन देख लीजिए, यानी कि यह नॉर्थ होता है ऊपर, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, यानी कि वेस्ट इधर देख लीजिए, यानी कि वेस्ट और मतलब एक तरह से यहाँ पे नॉर्थ है, तो नॉर्थ और वेस्ट में यहाँ पर स्थित है अफ्रीका की, इस बात को याद रखना है, नॉर्थ और वेस्ट में स्थित है, पूछा जाता है मित्र। यहाँ याद रखेंगे इसमें ही दो और मरुस्थल स्थित हैं, तुरुहंग और बर्बर जनजाति के नाम से भी एक तरह से यहाँ मरुस्थल छोटे छोटे स्थित हैं, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ तुरुहंग और बर्बर जनजाति भी इसी मरुस्थल में पाई जाती हैं, याद रखना, जो कि बकरी भेड़ वगैरह चराने आते हैं, सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद नामीबा मरुस्थल या फिर नामीब मरुस्थल के नाम से एक मरुस्थल है, प्लस कालाहारी मरुस्थल है। नामीब मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, यहाँ पर एक स्थित नामीब और यहाँ पर स्थित है आपका कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल नीचे स्थित है, नामीब मरुस्थल ऊपर स्थित है, यह पूरा का पूरा आपका क्या है? दक्षिणी अफ्रीका है, याद रखना। दक्षिणी अफ्रीका में दो मरुस्थल स्थित हैं, कौन कौन से याद रखना? नामीब मरुस्थल या फिर नामीबिया मरुस्थल के नाम से, या फिर कालाहारी मरुस्थल, दोनों अलग अलग हैं। कालाहारी नीचे पड़ता है, नामीबिया ऊपर पड़ता है, कालाहारी यहाँ पे, नामीबिया ऊपर पड़ता है, इस बात को याद रखना है। अब दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल या फिर सबसे प्राचीन मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका का सबसे प्राचीन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है नामीबिया मरुस्थल। पूरे याद रखना है, पूरे एक तरह से विश्व का दक्षिणी अमेरिका के नहीं भाई, दक्षिणी अफ्रीका की नहीं, केवल पूरे विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है नामीबिया मरुस्थल। शुष्कतम मरुस्थल के नाम से अटाकामा मरुस्थल, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, पूरे विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल नामीबिया मरुस्थल, याद रखना, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल भी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, जहाँ पर शुतुरमुर्ग, बुशमैन जनजाति ये सब सारे साहब पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति में एक तरह से कहा जाता है, इसमें पिग्मी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। पिग्मी जनजाति का एक तरह से कहा जाता है गढ़ कौन सा है, तो यहीं पर स्थित है बीच में कांगो घाटी,
ये जो कांगो नदी बहती है, कांगो राज्य से कांगो नदी बहती है, तो कांगो घाटी कांगो बेसिन स्थित है अफ्रीका में ही, तो वहाँ पर स्थित है भाई कांगो, एक तरह से कहा जाता है पिग्मी जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह से अरेबियाई मरुस्थल, जो अरेबियाई मरुस्थल है भैया यहाँ पर पाए जाते हैं, जो यह देख रहे हैं ना पूरा का पूरा, यहाँ पर एशिया है और यहाँ पर पूरा यूरोप है, तो दोनों लगभग लगभग सटे ही हैं, पूरा का पूरा सटे हैं, तो यहीं पर अरेबियाई देश पाए जाते हैं, जो यूएई हो गया, ईरान हो गया, ये सब सारे के सारे, तो अरेबियाई जो देश हैं वहीं पर स्थित है मित्र आपका अरेबियाई मरुस्थल। उस अरेबियाई मरुस्थल में दो मरुस्थल पाए जाते हैं, अल नफद और नबादा मरुस्थल और अल नफद मरुस्थल, याद रखेंगे। इसके बाद ईरान, जिसका कैपिटल तेहरान है मित्र, जिसका करेंसी टोमान है, ईरानी मरुस्थल पाया जाता है, ईरान में ही ईरानी मरुस्थल के नाम से पाया जाता है, याद रखेंगे, यहीं पर स्थित है ईरान, और उसमें भी दो मरुस्थल हैं ईरानी मरुस्थल में, दस्तीलुत मरुस्थल के नाम से, या फिर दस्तक बीर मरुस्थल या फिर दस्तीलूक मरुस्थल, ये दोनों के दोनों ईरानी मरुस्थल में स्थित हैं। इसके बाद थार मरुस्थल पड़ जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब बताया अगर भारत यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर पाकिस्तान स्थित है, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, कौन सा थार मरुस्थल, याद रखना है, राजस्थान वाला एरिया प्लस पश्चिमी यूपी हो गया, प्लस नॉर्थ और वेस्ट का हमारा मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा फैला हुआ है, तो याद रखेंगे भाई थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल मित्र ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाएगा, यहाँ वाले इलाके में, इस वाले इलाके में पूरा का पूरा पाया जाता है ना, ये कारण है इस वाले इलाके में, हम बताएंगे क्या कारण है, कभी डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पाया जाता है। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल में बहुत सारे मरुस्थल आते हैं, नाम याद रखेंगे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिंपसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, ये सारे के सारे मरुस्थल ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल के नाम से भी ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई जाना जाता है, याद रखेंगे, और पहला सहारा मरुस्थल। इसके बाद सोनरन मरुस्थल यूएसए में पाया जाता है, इस वाले इलाका में, यह अमेरिका है, अमेरिका के नीचे मैक्सिको है, उसके ऊपर कनाडा है, तो अमेरिका वाले मतलब नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका वाले पोर्शन में पाया जाता है सोनरन मरुस्थल, याद रखेंगे, सोनरन मरुस्थल और महावे या फिर मोहावे मरुस्थल, ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है भाई, यह ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में स्थित है भैया आपका, क्या स्थित है, सॉरी यह तो न्यूजीलैंड भाई, अर्जेंटीना में स्थित है आपका, कौन सा मरुस्थल बता देंगे, पेंटागोनिया का नाम मरुस्थल। ये सारे मरुस्थल थे पूरे विश्व के, अगर समझ में आया हो तो रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, कहाँ पे है, किस देश में है, लोकेशन भी हमने बताया आपको। ऐसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा मैप के माध्यम से बहुत जल्द लाने वाले हैं, लेकिन इस 5 से 10 मिनट की सीरीज में आपका डेली स्वागत है, और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे। इसका नाम है जीके कथा, फैला दो, ये आपका काम है, धन्यवाद।